काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश के दिल मध्य प्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सुरों के जरिए भी सियासत साधने में जुट गई है और चेहरा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल है, एमपी के मुस्लिम मन में कौन बसा, मोदी या कोई और? जवाब आज मोदी और भाईजान के स्पेशल एडिशन से पता चलेगा, जिसमें हम आपको सूबे के तीन मुसलमान बहुल्य जिलों इंदौर, उज्जैन और देवास का मूड दिखाएंगे। सबसे पहले वो शहर जहां की साफ सफाई और जलेबी पोहे के स्वाद की कायल दुनिया है, यानी इंदौर। 20 साल से 21 साल बीच का हटा दें तो यहां पर भाजपा का राज है। मुसलमान तो बड़ी तकलीफ में होगा, जैसा देश में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां भाजपा है वहां मुसलमान बड़ी तकलीफ में। हम लोगों को बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है, ना कोई तकलीफ है, ना हमें कोई तकलीफ है। बीजेपी से अभी तक राशन मिल रहा है, सभी सब्सिडी मिल रही है, आधा टिकट हो गया है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जबकि कांग्रेस के राज में हमें मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा था। कोई योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? अभी मैंने आयुष्मान कार्ड से आँखों का ऑपरेशन करवाया। आप हाँ, आपके आँखें खुलवाई ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है? हाँ भाई, मोतियाबिंद का भी करवाया और रोटीने का भी करवाया। अच्छा, रेटिना वाला भी करवा लिया? हाँ। तो आयुष्मान कार्ड से करवाया? आयुष्मान कार्ड किसने दिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने दिया या नरेंद्र मोदी ने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया, मुसलमानों को दिया। लेकिन मोदी जी तो भेदभाव करते होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे खुद को दिया ना। हाँ। तो मैं खुद भी मतलब ये करवा के आया हूँ, तो मेरे को तो एक पैसा भी नहीं, एक पैसा नहीं लगा। एक देश के कानून होना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान से कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक हिंदुस्तान के रहने वाले, हम भाई भाई हैं। और एक कानून होना चाहिए। एक कानून बताइए, एक कानून होना चाहिए। बहुत मुश्किल होंगे इंदौर के तो मुसलमान, 20 साल से बीजेपी का शासनकाल, ऊपर से 9 साल मोदी जी के, तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी ना? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है साहब, जितना फायदा मुसलमानों को बीजेपी के राज में मिल रहा है, शायद ही 60 साल के अंदर कांग्रेस के राज में मिला हो। मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बस इसकी बात बोलना बेटा। तो लेकिन ये बता दीजिए कि मुसलमान जो है, मोदी जी मुसलमानों के इतने बड़े विरोधी कह जाते 2014 से पहले, कुछ किया है मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कि नहीं? सबके लिए कर रहा है, तो सबके लिए, कोई हिंदू कोई भेदभाव? मैंने तो सुना बहुत भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखते हैं। मोदी जी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फायदा मिला 9 सालों में कि नुकसान हुआ मुसलमानों का? और मेरी बहन बेटियों के लिए सब कर रहा है। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताइए? नहीं बनना, नहीं बनना, दिल मत तोड़िए, नहीं बनना है। मुसलमान छोड़ देगा कांग्रेस का तो कैसे जिएगी कांग्रेस? अरे कांग्रेस का मुसलमान भी सब उसके उस मोदी जी के हाथ है। कोई भेदभाव महसूस किया? ये हमारा सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है चंदन नगर। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तेजी कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्षेत्र में, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमानों को, दोनों को नहीं है। कोई भेदभाव किया मोदी जी ने 9 सालों में? हां, आपसे तो नहीं किया, फिलहाल तो नहीं किया। मेरी मम्मी को कैंसर की बीमारी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था, लाखों का खर्चा था, आयुष्मान कार्ड से उनका टोटल ट्रीटमेंट फ्री हुआ है, ये मुझे फायदा मिला। देश का मुसलमान 2024 में किस तरफ देख रहा है, कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ना अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता हूं। तरक्की कौन करा रहा है मुल्क का? जो भी नेता अच्छा होगा। कौन अच्छा है? फिलहाल मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे तो मेरा वोट उनके लिए रहेगा। मध्य प्रदेश इंदौर के मुसलमानों की जरा देशवासियों को हमारे जरिए बताइए। बढ़िया, एक नंबर स्थिति है मुसलमानों की, बढ़िया एक नंबर। मोदी जी के राज में तो खराब होगी? नहीं, अच्छी है, बढ़िया। सही सही बताइए, जिंदगी जी, कैमरा हटा दूंगा मैं, सही बात बताना है। सही है, बिल्कुल आजाद जिंदगी जी रहा, आजाद जिंदगी। लेकिन मैंने तो सुना था मोदी जी आ जाएंगे तो कत्लेआम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना है सर। कितने बार कत्लेआम हुआ? एक मतलब भी नहीं। बार दंगे हुए इंदौर में? एक मतलब भी नहीं हुआ, नहीं हुए। लोगों ने पिक्चर तो बहुत बड़ी बड़ी थी। हाँ, दिखाई थी। क्या क्या दिखाया था? कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे, दासों भी बना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2014 से पहले मुसलमान किसको वोट करता था? कांग्रेस को। कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने कितना किया मुसलमानों के लिए? कांग्रेस तो सोचती कि अपने जाएंगे कहाँ दूसरी जगह। अच्छा, उनको बापती समझती थी? हाँ, जाएंगे कहाँ ये? अब क्या हो रहा है? हमारा कोई था ही नहीं ना। हाँ। अभी हम काम बीजेपी को दे, अभी बीजेपी नहीं माने। हाँ। कि हमको वोट दिया। हाँ। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं पसमांदा मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया इसी मध्य प्रदेश में किया के, कि मुसलमानों में एक पसमांदा मुसलमान कौम होती है जो पिछड़ी होती है, 85% उनकी कोई सुध नहीं लेता है। मोदी जी ने पहली बार पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया है, ये अच्छा किया है कि खराब किया? अच्छा किया है, अच्छी बात है। इंदौर में 12.67% मुस्लिम आबादी है,
2018 विधानसभा चुनाव के दौरान यहां की 9 सीटों में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 4 सीट पर जीत मिली। हालांकि 2021 में उपचुनाव हुए और कांग्रेस की सांवेर सीट पर बीजेपी ने बाजी पलट दी। अब आपको महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं और जानते हैं यहां इस बार मुस्लिमों के दबदबे वाले इलाकों में माहौल किसके हक में है। मोदी जी जब भी कुछ नया लाते हैं, कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या कोई भी कानून आता है, या कोई भी योजना आती है, कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो ये कहता है कि ये मुसलमानों के विरोध में है। नहीं नहीं सर, पूरी तरह से मुस्लिम लोगों में आज धारा 370 कश्मीर से हटाई है, तो इसका फायदा किसको, कश्मीरियों को मिला। सरकार के आने का कोई परिवर्तन है? नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 मुस्लिम चेहरों को लिया है। अगर 2 मुस्लिम चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया है, मतलब मुसलमानों का रुझान, मुसलमानों का झुकाव, मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों का वकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि चाहे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, अनाज फ्री देने का हो, कोविड का वैक्सीन देने का हो, उन सब में हमने भेदभाव नहीं देखा कि मुस्लिम लाइन अलग होगी, हिंदू लाइन अलग होगी। 60 सालों में हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज डिजिटलाइजेशन है, इसके माध्यम से हम हमारे बच्चे शिक्षा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी के तरफ को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज से 9 साल पहले कितने IAS थे, कितने MDMS डॉक्टर थे, आप इतिहास उठा कर देख लें। पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा IAS IPS बने हैं इंडिया में। 8 साल बनाम 9 साल वाला जो कंपेरेटिव है वो बैलगाड़ी और बुलेट ट्रेन का कंपेरिजन है। अच्छा, आज मुसलमान बुलेट ट्रेन में बैठने की क्षमता रख रहा है। अच्छा, तो किसकी बदौलत? 9 साल की बदौलत। मोदी जी की बदौलत? बेशक। मोदी जी तो आपके विरोधी हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपसे भेदभाव करते हैं, आप आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। ये सब पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट हो सकते हैं, आम जन भावना ऐसी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं ये जरा बताइए? 2 बच्चे। 2 बच्चे, तो एक को आप रोटी खिलाते होंगे, दूसरे को चावल खिलाते होंगे, या दोनों को बराबर खिलाते हैं? तो एक देश में हिंदू और मुसलमान भाई है कि नहीं है, तो एक देश ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये सब पॉलिटिकल विरोध है। ओबीसी भी विरोध करने से क्या, देश की जनता, देश की कांग्रेस भी तो विरोध करती है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं, पक्ष तो विरोध के लिए बनाना। जनता कहाँ विरोध कर रही है? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो साथ में ना मोदी जी। ये लोकतांत्रिक विरोध है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छी योजना है जो मोदी जी ला रहे हैं। 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? मेरे कहने मत जाइएगा, ईमानदारी से बताइए। देखिए, जो बेहतर करेगा, 60 साल आपने वोट दिया, ऐसे धोखा मत दीजिए। कहाँ जाएंगे वो, उनके भी तो अपने सपने हैं ना, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना है कि नहीं बैठना? तो हमारे सपने, तो हमारे सपने कहाँ गए, हमारे सपने कहाँ गए? तो किसके सपने सर, राहुल गांधी का सपना साकार होगा या देश के मुसलमानों का सपना? देश के मुसलमानों का। हाँ, मुसलमान जाग गया? जाग गया। देश का सपना पूरा होगा भैया? सर, देश के मुसलमानों का सपना पूरा होगा और माननीय मोदी जी के द्वारा ही पूरा होगा। क्यों भैया, सही कह रहे हैं ये लोग? कोई बात आपको समझ में आ रही है इन लोगों की? नहीं आ रही? पूरी पूरी समझ में आ रही है। पूरी समझ में आ रही है। 14 से पहले वाली समझ में आती थी कि अब वाली समझ में आ रही है? नहीं, 14 के पहले की समझ में नहीं आती थी, वो 8वीं फेल थे। अब थोड़ा ललक ऐसी लगी कि पीजी नीट का एग्जाम का फॉर्म भरा है। बहुत बढ़िया, तो अब नीट तक आप लोग पहुँच गए हैं, ये क्या कम उपलब्धि? हाँ, बड़ी उपलब्धि है ना। हाँ, बड़ी तो उपलब्धि है, सब पढ़ने लग गए, सबकी आंखें खुल गई है। आंखें खोलने की जिम्मेदारी किसकी? मोदी जी आए, उसके बाद से आंखें खुली, सब समझ में आया। नहीं, उससे पहले 14, मोदी जी तो 14 में आए ना, 14 क्यों नहीं पढ़ते थे? पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी, जगाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी निभाई गवर्नमेंट? नहीं नहीं, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। हाँ, 1% भी कोई योजना आई, सिलेंडर बटा हो, वैक्सीन लगा हो, आयुष्मान कार्ड बना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या कुछ भी हो, या राशन बटा हो, 1% भी ऐसा लगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला, ये हिंदू है तो इस वाली बस्ती को मिल गया, ऐसा लगा कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार सब चल रहा है। कानून एक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बताइए। एक होना चाहिए, बताइए। एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब मुल्क एक, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो कानून एक या 2? एक होना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में है कि असुरक्षित हाथों में? पहली बार 75 सालों में 24/7 वाला प्राइम मिनिस्टर मिला है देश को। 24/7 वाला। कभी आपने मोदी जी को छींकते नहीं देखा होगा, कभी बुखार नहीं आया, एक भी छुट्टी नहीं, त्योहार भी सैनिकों के साथ मनाते। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए थे अभी और कहा कि हमारे देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है मुसलमान। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मैं मस्जिद के सामने बोल रहे हैं, हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुस्लिम लोग मतलब अब सब जागरूक हो गए। अब इंजीनियर, डॉक्टर और मतलब तमाम बड़ी बड़ी चीजें सपने देखने लगा है कि मुसलमान भी ये सपने देख रहा है
कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये सपने देखने लगा। कैसे संभव हुआ? ये संभव ये हुआ कि मतलब सब देखता है ना आदमी कि यार मैं मतलब क्या पंचर बनाते ही रहूंगा जिंदगी भर या सब्जी बेचता रहूंगा। कुछ फायदा मिला है मुसलमानों को कि नहीं? वो नहीं मिला साहब। भाई साहब ये बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मोदी जी के राज में 50 करोड़ से अधिक जो है वैक्सीन लगाए हैं वो फ्री मुफ्त में। 140 करोड़ को लगा है, 50 करोड़ को नहीं, देश की जितनी आबादी है सबको एमपी में, और ये उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। उज्जैन में मुसलमानों की तादाद 11.73% है, विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2018 चुनाव में यहां कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटों पर विजय का परचम लहराया। सफर के आखिरी पड़ाव में 11% मुस्लिम आबादी वाले देवास के मन की बात भी जान लीजिए। मोदी जी का शासन बेहतर है कि नहीं? बेहतर। 9 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ किया मोदी जी ने? किया बहुत कुछ। क्या किया बताइए? सब किया, रोड लाइन, लाइट, नाली, सारे विकास करे कॉलोनी। तो हिंदुओं के लिए क्या होगा ना, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए। तो कांग्रेस क्यों कहती है कि मुसलमानों के विरोधी है? हम नहीं कहेंगे। हाँ हम नहीं कहेंगे। आप नहीं कहेंगे? हमको मिला, आपको मिला, देश के मुसलमानों को मिला, मध्य प्रदेश के मुसलमानों को मिला, जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करते हैं, रसूलपुर के मुसलमानों को मिला, आप प्रधानमंत्री आवास मिला मुसलमानों को, सभी को मिला। सही कह रहे हैं चाचा, ऐसा तो नहीं भाजपा से पैसा वैसा ले लिया? सरकार ने गरीब जनता के लिए घर पर बनाया, रोड नाली बना दी, पानी की व्यवस्था कर दी, सब चीज की व्यवस्था कर चुके हैं। कोई आप कुछ भी नहीं है ना कोई हिंदू मुसलमान वाला मामला है ही नहीं। सब घर जैसे भेजे से रहते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। उस्मान कार्ड बना दिए, शासन मिल रहा है टाइम पे, हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को सबको मिल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान को मिल रहा है। मैंने तो सुना है यहाँ के मुसलमानों की हालत इसलिए खराब है, यहाँ बीच के 1-8 साल हटा दें अगर तो 20 साल से भाजपा है देश में, केंद्र में 9 साल से भाजपा है, तो मुसलमान तो बहुत बर्बाद हो गया होगा, बहुत परेशान होगा, बहुत दबाया गया होगा, बहुत डरा हुआ होगा। कितने डरे हुए हैं? हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं, हम अच्छे हैं, सुकून से। पहले से बेहतर? बेहतर है। 2014 से बेहतर या खराब? बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, सुकून से बहुत। क्या क्या कहा जाता था, क्या पिक्चर दिखाई? बोला कि ऐसा हो जाएगा, मोदी जाएगा तो गोलियां चलेंगी, रात दिन झगड़े होंगे। गोली वोली लगी कि नहीं? देखे कहीं आगे पीछे घूमो जरा, देखा दिखाओ तो कहीं गोली वोली तो नहीं लगी? गोली वोली तो नहीं लगी ना? बिल्कुल। अच्छा, सब बढ़िया एकदम? बढ़िया एकदम। कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा है, कौन मुसलमानों के खिलाफ है, कौन मुसलमानों के लिए काम कर रहा है? अच्छा काम करा, जो भी मोदी जी ने करा आज तक, अभी तक जो झोपड़े पड़े थे, कच्चे रोड थे, कीचड़ में चलते थे, आज वो अच्छा है, तरक्की है, सब कुछ बात है, आवास योजना पूरा अच्छे से मिला, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। लेकिन ये बता दो, फिर कांग्रेस वाले जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं? अपना प्रधानमंत्री तो इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं, बहुत अच्छा है। हमारा काम हुआ ये आवास की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुसलमानों को मिला। लेकिन हम तो सुने हैं जहाँ बुरहान नाम देख लेते हैं, जहाँ इस्तकाम नाम लिख देते हैं, वहाँ वो अधिकारी जो बैठा काट देता है, इसको मत दो आवास, ऐसा कुछ हुआ क्या यहाँ? नहीं, यहाँ सबका बना, ये पूरी मुस्लिम बस्ती है, सब मुस्लिम बस्ती, इस कोने से लेकर उस कोने तक सारे मुसलमान है। और मिला आवास? मिला। किसने दिया आवास? ये प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने मुसलमानों को। हाँ, कांग्रेस ने कहा दिया? कांग्रेस ने कहा दिया, कुछ नहीं। आज बच्चों को फ्री पढ़ाई करी जा रही है, फ्री पढ़ाई के साथ दीनी तालीम के साथ साथ, ये देखिए ये लड़का है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जावेद। जावेद, कॉपी खोलो जरा, अपनी कॉपी खोलो, कॉपी देखो, ये देखो, ये क्या है? ये मैथ्स है, और मैथ भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हो? वाह, ये कब आप स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, मदरसों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? मदरसों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ, भाजपा के राज में काम हुआ। सलमान होके कैसी उल्टी बात कर रहे हैं? उसमें क्या है? अरे भाई देखो एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी जो रही है उसने कोई मतलब काम तो करा नहीं, अपन ने खून दे देखा, जो चीज मतलब जो करना चाहिए वो भाजपा ने उस चीज के ऊपर काम करा, कर दिया मुसलमानों के लिए, कर दिया, करा है ना। ये क्या बैठे हैं सब टापरी में थे, आज बिल्डिंग में बैठे हैं। अच्छा बैठे, सबको छत दे दिया, सब कुछ दे दिया, यहाँ पे मुश्किल से 2-4 घर बचे हैं, उनको भी मिलने का। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना, एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर मोदी जी ये कानून ला रहे हैं तो देश के मुसलमान उनके साथ है कि नहीं है? बिल्कुल साथ, साथ पूरी तरह से सीना ठोक कर, बिल्कुल साथ है हम, बिल्कुल साथ है, एकता के लिए, एकता के लिए, हाँ बिल्कुल। अपने बच्चों में जब आप फर्क नहीं करते तो हिंदू मुसलमान में क्यों फर्क होना चाहिए? सभा में मुसलमान किस तरफ देख रहा है, कांग्रेस को की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ?
कांग्रेस की तरफ नहीं देखेगा, अब नरेंद्र मोदी की तरफ देखेगा, क्योंकि हमें विकास चाहिए। और मोदी जी के राज में विकास हो रहा है? हो रहा है ना, देख रहे 2024 हमें इंदौर जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे एबी रोड पर जाने के लिए, अब हम 35 से 40 मिनट में इंदौर पहुंच जाते हैं। ये सब किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो मोदी जी को तो मुसलमान विरोधी कहा जाता है? नहीं, ये फिर सोच के ऊपर है, जो कुछ कांग्रेसी माइंड है वो करते हैं, बाकी हम तो जनता से बात अगर करेंगे आप तो जो विकास कर रहा है उसके साथ। उसके साथ किसके साथ है देश का मुसलमान? हम तो बीजेपी के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। बताइए साहब, देश का मुसलमान 2024 में किस तरफ देख रहा है? बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ ही देख रहा है। बीजेपी की तरफ ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम, बढ़िया। मोदी जी पर भरोसा है? भरोसा है ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात में एम फैक्टर यानी मुसलमान भी अहम रहने वाले हैं। ऐसे में इस खास पेशकश के जरिए हवा का रुख टटोला जा सकता है।